हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी में, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का जो रोड शो है वह शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर जो रोड शो है वह निकल चला है, और साथ में यहां पर मदन भैया हैं जो खतौली के विधायक हैं, पूर्व विधायक जाकिर अली वो भी यहाँ साथ में है जो गाजियाबाद के लोनी से पूर्व विधायक हैं, वहीं मनोज धामा पूर्व चेयरमैन है लोनी नगर पालिका के, और इस बार लोनी नगर पालिका में जो ताल ठोकी हुई है वह रंजीता धामा जो कि मनोज धामा की दरपत्नी है। शुरुआत करते हैं मदन भैया से, आपका रोड शो शुरू हो गया है, कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोनी की जनता तय कर चुकी है कि गठबंधन के पक्ष में निर्णय देना है, हैंडपंप के पक्ष में निर्णय देना है, हैंडपंप को जिताना है। और मदन भैया इस समय अपनी पूरी जान मदन भैया ने झोंक दी है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ से नंदकिशोर गुर्जर जो कि अभी वहाँ उनका भी रोड शो चल रहा है। नहीं नहीं, मदन भैया ने जान नहीं झोंकी, पूरे गठबंधन पूरी तन्मयता के साथ लग रहा है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के यहाँ के क्षेत्रीय लीडर जो जाकिर भाई पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं, और गठबंधन के साथ साथ वो आवाम जो त्रस्त है, गरीब है, परेशान है, रोजगार नहीं है, वो सब जो एक आशा की किरण के रूप में गठबंधन के प्रत्याशी रंजीता धामा के पक्ष में लगे हुए हैं। जाकिर भाई आप बहुत दिनों बाद आज हाथ लगे हैं हमारे, बहुत समय से हम आपको तलाश रहे थे। आपके सामने तो कहीं ना कहीं आप पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में, बसपा से आपकी बहन चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी के साथ या बहन के साथ, आपके सामने तो कहीं ना कहीं कुछ सामने कुछ ऐसी मजबूरियाँ भी होंगी। ऐसा है, पार्टी के साथ भी हैं और एक हम विकास के साथ। लोनी में जो बिगड़ता भाईचारा था हम उसे जोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। माननीय विधायक मदन भैया जी, मनोज धामा जी, हम तीनों मिलकर जो पहले में लोनी में भाईचारा था उसे दोबारा जिंदा करने, और क्षेत्र में आज हर तरफ एक ही आवाज़ है सिर्फ हैंडपम्प की। तीसरी बार बन रहे हैं रंजीता धामा, दूसरी बार बन रही है यहाँ से चेयरमैन। मान लिया आपने, तय कर लिया कि रंजीता धामा इस बार फिर दोबारा? मैंने नहीं, लोनी की सारी जनता ने मान लिया, सब दिल से लगे हुए हैं, और ये आपको 13 तारीख में देखने को मिलेगा। मिठाई भी खिलाई जाएगी, दावत भी होगी। आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं लोनी नगर पालिका के मनोज जी, और इस बार आपकी धर्मपत्नी एक बार फिर, तो किस तरह का क्या लग रहा है इस बार का अगर कहें तो? वैसे तो आप जीत ही बताएंगे। देखिए ये तो जनता ने तय कर चुकी है, और पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत। कहीं ना कहीं मदन भैया का आना, जाकिर अली का साथ में आना, कहीं ना कहीं एक जान जो कहते हैं कि जान आ जाती है चुनाव में, तो जान देखने को मिल रही है? बिल्कुल 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 दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। मैं तीनों अपने नेताओं का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अपना 100% देने का काम किया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। देखिए आभार प्रकट करते हैं, और देखिए लोनी के ये तीन वो दिग्गज हैं जो कि एक साथ यहाँ से निकल चले हैं। मदन भैया जो कि 5वीं बार विधायक हैं, जाकिर अली यहाँ पर पूर्व विधायक रह चुके हैं, और पूर्व चेयरमैन की धर्मपत्नी जो कि रंजीता धामा है इस समय चुनावी मैदान में। वहीं एक बार फिर रैली की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से रैली की जो तस्वीरें हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ। यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं वह इस समय बड़ी तादाद में, गठबंधन के जो लोग हैं वह बड़ी तादाद में इस समय इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और चुनाव के अंतिम दिन जिस तरीके से सभी नेता रोड शो निकाल रहे हैं उससे लगता है कि हर कोई जीतना चाहता है और जनता के बीच में जाना चाहता है। गाजियाबाद के लोनी से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।